अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तरन्नुम फूड क्लब। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुपर टेस्टी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। देखा जाए तो बिरयानी नॉन वेजिटेरियन होती है, पर वेजिटेबल बिरयानी काफी पॉपुलर है। वेज बिरयानी लोग अलग अलग तरीके से पकाते हैं। आज मैं अपनी स्टाइल में वेज बिरयानी बनाकर दिखाऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 4 कप बासमती राइस लिया है, लगभग 800 ग्राम बासमती राइस। इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोक करने रख देंगे। एक पैन लेंगे और सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप रिफाइंड ऑयल। वेजिटेबल में 2 कप ब्रोकली लिया है। पर्सनली मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है। आप चाहे तो ब्रोकली की जगह फूलगोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मजे की बनती है ये बिरयानी। मैंने इसे मीडियम साइज में कट कर लिया था। मीडियम फ्लेम में ब्रोकली को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ब्रोकली फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसी ऑयल में ऐड कर रही हूँ 1.5 कप गाजर, जिसको मैंने मीडियम साइज में कट कर ली थी, और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ग्रीन बीन्स। इस तरह का लॉन्ग साइज में कट कर लेना है। इसे भी मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब आप चावल के साथ पकाएंगे तो छोटी छोटी सब्जी बिरयानी में दिखती नहीं, तो मुझे बिरयानी में पसंद है थिक और चंकी वेजिटेबल। ये फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। एक मीडियम साइज के शिमला मिर्च को क्यूब में कट कर ली थी, इसे ऐड कर देंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। 1/2 कप फ्रोजन मटर लिए है, इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये मैश हो जाएगा सब्जियों में। आप इसके जगह फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। इस मटर को डाल देंगे सब्जियों के साथ। इसी तेल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में कट कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेंगे प्लेट में। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें फ्राई कर लेंगे मैरिनेटेड पनीर। फ्लेम को मीडियम रखना है क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म है। एक एक करके पनीर को डालेंगे तेल में। पनीर को बार बार टर्न नहीं करना है। एक साइड फ्राई हो जाने के बाद इसे टर्न कर लेंगे। पनीर में ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ चुका है। जैसे ही जैसे पनीर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, एक एक करके निकालते जाएंगे। पनीर को अलग बर्तन में निकाल लिया है मैंने, इसे साइड में रख देंगे क्योंकि पनीर का इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। सेम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इस तेल में सब्जी, प्याज और पनीर का फ्लेवर है। फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून शाही जीरा ऐड कर दिया है। 5 से 6 लौंग ऐड कर रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 छोटी इलायची, 1 बंदियान के फूल, 3 पीस जावेत्री जो छोटे टुकड़ों में लिया है, इसे ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। मसालों में अच्छी खुशबू आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 हल्दी, 2 स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो तीखी वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था, इसे डाल देंगे। 1/2 कप धनिया पत्ती, 1/2 कप पुदीना, दोनों को सेम क्वांटिटी में लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप सॉल्ट टू टेस्ट डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है जो आपके खानों को मजेदार बनाएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद डाल रही हूँ फ्राइड ऑनियन और थोड़ा सा प्याज रख दूंगी गार्निशिंग के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट पका लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बिरयानी के लिए वेजिटेबल रेडी हो चुका है, अब हम राइस को बना लेते हैं। पानी में ऐड कर रही हूँ 4 से 5 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्लिट हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून नमक,
इसे कवर करके बॉईल होने देंगे। पानी में ज्यादा नमक इसलिए डालते हैं कि राइस को बॉईल करने के बाद पानी को निकाल देते हैं। लीड हटा देंगे। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बासमती राइस, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था, उसी राइस को मैं ऐड कर रही हूँ। इसे मिला लेंगे और बॉईल होने देंगे। चावल को 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम में बॉईल होने देंगे। चावल अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब इसे चेक कर लेंगे। बासमती राइस को 80% पकाना है, तो ये पक चुका है अच्छी तरह से। अब इसके पानी को निकाल लेना है। चावल को छानने के बाद आपको दिखा देती हूँ चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हम बिरयानी की असेंबलिंग कर लेते हैं। बड़े से पॉट में डाल देंगे सब्जियों को और इसे चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ सब्जियों को फैलाने के बाद इसमें डाल देंगे सारा बॉइल्ड राइस। चावल को सेट कर लेंगे चारों तरफ से। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध, चारों तरफ फैला कर डालेंगे। आप इसमें 1 कप दूध जरूर डालिएगा, इससे बिरयानी का टेस्ट इन्हेंस होगा। ऊपर से पनीर डाल देंगे। फ्राइड ऑनियन बचा कर रखी थी, इसे भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे रोज वाटर और 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ केवरा वाटर। थोड़े से पानी में पिंच ऑफ फूड कलर डालकर घोल ली थी, इसे भी डाल देंगे। लास्ट में ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास घी है तो इसमें जरूर डालें, इससे टेस्ट और भी बढ़ता है। अब इसमें लीड लगा देंगे। 1 मिनट हाई फ्लेम में पकाना है और फिर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम में आराम से पकने देंगे। अगर आप चाहे तो एक तावा ले ले और उसके ऊपर हांडी रख दे, उससे क्या होगा कि आराम आराम से सब्जी और चावल पकेगी। बिरयानी हो गया है डन, अब लीड को हटा देंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबूदार फ्लेवरफुल वेजिटेबल बिरयानी बनी है और चावल भी बहुत ही खिले खिले बने हैं। आप जब इस बिरयानी को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नॉनवेज की क्रेविंग नहीं होगी। मुझे यकीन है कि आप जब भी इस बिरयानी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।